Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Student, हमने irrational numbers के बारे में पढ़ा और उन्हें prove भी किया। अब मैं आपको rational numbers के बारे में बताऊंगा और rational numbers के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो कुछ उनकी related properties हैं decimal expansion। तो rational number का decimal expansion किस तरह का होता है? पहले मैं और आपको बता दूं। तो रैशनल नंबर स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं वो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर जिनको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, यस यू आर राइट, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी बाई क्यू यहाँ पर क्या होते हैं, पी इज यस इंटीजर्स एंड क्यू इज यस अगेन इंटीजर, और क्यू आप जानते हैं क्या नहीं होना चाहिए, यस यू आर राइट, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, p बाई क्यू एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में आप जानते हैं कि ऊपर वाले टर्म को आप क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म। नाउ स्टूडेंट डेसिमल एक्सपेंशन अब आपको कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से मिलता है, डेसिमल एक्सपेंशन जब आप P को Q से डिवाइड कराएंगे तब आपको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। अगर मैं यहां पर स्टूडेंट देखें सी एग्जांपल है हमारा कि 20 को आप डिवाइड कराइए, किससे डिवाइड कराएंगे, 20 को डिवाइड कराएंगे आप 6 से, तब आपको क्या मिलेगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, 20 को 6 से डिवाइड कराते हैं तो 3 टाइम्स से जाएगा 18 और बचेगा रिमाइंडर 2, फिर डेसिमल लगा के इस 2 का क्या बना देंगे, 20 बना देंगे, कितनी बार से जाएगा, अगेन 6 बार से जाएगा, फिर मिलेगा रिमाइंडर 2, डेसिमल लगा चुके हैं तो इस 2 का 20 हो जाएगा, फिर से मिलेगा यहाँ पर ये मैंने 6 लिख दिया 3 टाइम्स मिल जाएगा, तो हर बार आपको ये 333 मिलता जाएगा, आप जानते हैं जिसे आप क्या लिखते हैं 3.3 पर बार। अब आप यहां पर देखिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे, इनफाइनाइटली मैनी डिजिट, तो इनफिनिट डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिजिट के बाद डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो आ रहे हैं वो इनफिनिट है, बहुत सारे हैं, लेकिन स्टूडेंट यहां पर जो डिजिट आ रहे हैं वो बार 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 रिपीट हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग है। रिक्वायरिंग क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट जो हैं, जो कि 3 है यहाँ पे, वो बार 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 रिपीट हो रहा है, तो रिक्वायरिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 1/4 लूं, ये क्या है रैशनल नंबर है, 1 को 4 से डिवाइड कराऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे, देखिए 4 मैं यहां लेता हूं, कहां पर डिविजन एंड डिविडेंड की जगह मैं क्या लूंगा 1, लेकिन 4 तो 1 को नहीं डिवाइड कर सकता तो 0.11 ले लेता हूं, अब कितना बन गया है 10, अब कितनी बार से जाएगा 2 टाइम से जाके कितना हो जाएगा यहां पर आएगा 8, आपको फिर से क्या मिलेगा 2 मिलेगा, नाउ 2 का आप क्या लिख बना देंगे 20 क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी ले चुका और ये 5 में चला जाएगा, तो 20 आया आपको यहां पर क्या मिला 0, तो ये जो डेसिमल एक्सटेंशन मिला है 0.25। अब यहां पर देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ डिजिट जो आ रहे हैं फिक्स नंबर ऑफ डिजिट है, ओनली 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो दैट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि टर्मिनेटिंग है, और जब टर्मिनेटिंग है तो रिक्वायरिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर यहां पर बार बार डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, इनफिनिट नहीं है, फिनिट फाइनाइट डिजिट्स है, तो इसीलिए ये क्या होगा टर्मिनेटिंग कहा जाएगा, टर्मिनेटिंग। आगे और भी एग्जांपल देख सकते हैं रैशनल नंबर के, आप खुद कुछ एग्जांपल लीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराइए, आपको जो डेसिमल एक्सटेंशन स्टूडेंट मिलेगा या तो आपको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा रिक्वायरिंग भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग ना हो, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग होगा और या फिर आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो यहाँ हमने रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सटेंशन के बारे में देखा क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वो इन्हीं से रिलेट करती है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो देखते हैं डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ द रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर किस तरह का होता है स्टूडेंट, ये 2 टाइप्स का होता है, किन टाइप का, या तो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर टर्मिनेटिंग होगा स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल के थ्रू,
लाइक दिस, अगर 1842 को डिवाइड कराऊं 25 से तो क्या मिलेगा 73.68। कैसा है ये? टर्मिनेटिंग है। नाउ अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक एग्जांपल के थ्रू मैं देखता हूं, 8 को 3 से डिवाइड कराऊं तो क्या मिलेगा 2.333, यानी 2.3 बार, जिसे हम लिखते हैं, तो एक ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग है। नाउ स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड बताऊंगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अगर कोई रैशनल नंबर आपको दिया गया हो, उस रैशनल नंबर को सीधा आप देख के बता दें, यानी अपॉन की फॉर्म में अगर दिया हुआ, अपॉन की फॉर्म में बगैर डिवाइड किए अगर आपको बताना हो कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो आप बिल्कुल इस प्रॉपर्टी से बता सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? टर्मिनेटिंग से। अगर वो प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं आपको टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी बता देता हूं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं फॉलो करती। तो ये क्या होती है? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी। कुछ मैंने टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन जो लिए हैं, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है दिस 0.375, 12.35, 8.805 और एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, सेम मैं यहाँ पर लेता हूँ, दिस इज मैं फोर्थ एग्जांपल ले लेता हूँ, दिस इज 1400 या 14 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि 1400 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 14 अपॉन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट 14 अपॉन 70 मैं ले लेता हूँ। नाउ यहाँ पर अब अगर आप आगे देखेंगे, मैं फर्स्ट एग्जांपल को दिखाता हूँ, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है 0.375। अब इसको अगर रैशनल नंबर यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे? डेसिमल को हटाना पड़ेगा, डेसिमल हटा दिया 375, लेकिन अगर डेसिमल हटाया है तो न्यूमरेटर में आपको क्या करना पड़ेगा? डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3, तो 1 के आगे 30 आपने लगा दिया। अब क्या करिए, न्यूमरेटर को आप फैक्टराइजेशन कराएंगे तो कितना आएगा? 3 × 5³। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई, ऑलरेडी निकाला हुआ है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया। अब 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1010³ हो जाएगा, और 10³ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2³ × 5³। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5³ कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपको न्यूमरेटर में क्या मिला? 3 मिला, और डिनोमिनेटर में अगर आप यहां ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में 2³। नेक्स्ट एग्जांपल को और देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिया है? 12.35। अगेन इस 12.35 को आप क्या करेंगे? अगेन यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 1235 हो जाएगा, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो 1 के आगे 20 आएंगे। नाउ न्यूमरेटर के मैंने फैक्टराइजेशन को ऑलरेडी कराया हुआ है जो कि 5 × 13 × 19, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 10³ जो कि 2 × 2 × 5² आएगा। अब स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं कि 5³ एंड 5² कैंसिल आउट होकर 5 आएगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहां पे मिलेगा न्यूमरेटर में तो 13 × 19, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा? 2² × 5². नाउ स्टूडेंट जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दिस इज एग्जाम्पल इज 8.804। अगेन मैं सिमिलरली यहाँ पर भी करता हूँ, सेम हटाया, मैंने फैक्टर कराया, फैक्टर कराने के बाद जो है देखिए यहाँ पर क्या है, 2² जो है कैंसिल आउट हो गई है, 2³ से यहाँ 2 आया। फाइनली जो आपको मिलेगा ये आपको मिला फाइनली, एंड डिनोमिनेटर में अगेन यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर में 2² × 5³। एक और एग्जाम्पल जो कि मैंने लिखा था वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, ये क्या था? 14/70, तो फोर्थ वाला था 14/70। अब आप 14/17 को जब आप करेंगे ये कितना आएगा? 1/5, और 1/5 स्टूडेंट कितना होगा? दिस 1/5 आएगा, तो यानी यहाँ पे कितना आया? 5² ये आपका आया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो किस तरह का है? 5³ है, तो ये आपका था डेसिमल एक्सपेंशन 14/17। Now, अब आप यहाँ सारे रैशनल नंबर में देखिए, ये सारे 14/70 क्या होता है, मैं आपको ये भी लिख के दिखा देता हूँ। 14/17 का 70 का डेसिमल एक्सपेंशन स्टूडेंट क्या होता है? 1/5, जो कि आपका कितना आएगा? 0.2 है, तो 0.2 था जिसे मैंने आगे करके सॉल्व किया। अब ये सारे एग्जाम्पल जो लिए थे, ये सारे एग्जाम्पल कैसे थे?
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को जब हमने रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, सॉल्व किया जितना हम सॉल्व कर सकते थे, यानी सॉल्व करके हम क्या लाए, कोप्राइम फॉर्म में लाए, तो हम देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर में आ रहा है। देखिए जैसे ये वाला है हमारा, दिस इज या तो 2 की पावर 3 यहाँ पर 2 की पावर्स में आ रहा है, या 2 और 5 की पावर्स में जैसे ये आ रहे हैं, या फिर सिर्फ 5 की पावर्स में आ रहा है जैसे कि ये वाला आ रहा है। तो यहां से हम कंक्लूजन ले सकते हैं स्टूडेंट। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में ले सकता हूं, दिस कंक्लूजन इज कि आफ्टर कन्वर्टिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, जहां पे पी और क्यू को प्राइम है, और इन्हें डिवाइड कर देते हैं फाइनली, देखिए को प्राइम फॉर्म में ही लेके आए हम यहाँ पे, यानी जो भी कॉमन था वो हमने हटा दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो देयर डिनोमिनेटर यहाँ पर ये है कि देयर डिनोमिनेटर क्या होगा, हैज ओनली पावर ऑफ टू, या तो 2 की पावर में डिनोमिनेटर होगा, या पावर ऑफ 5 में होगा डिनोमिनेटर, या फिर बोथ, दोनों होगा। तो यानी के क्या मिलेगा, उनका जो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का डिनोमिनेटर किस फॉर्म में मिलेगा, या तो 2 की पावर में मिलेगा से 2 की पावर m में, या 5 की पावर में मिलेगा से 5 की पावर n, या फिर दोनों की फॉर्म में मिलेगा 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, इस तरह। इनके अलावा कुछ और आपको नहीं मिल सकता स्टूडेंट, अगर आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिया। और इसी से रिलेटेड हम आगे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज को।